नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके खेत किसान झुंझुनू में और मेरा नाम है सुरेश सिहाग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप लोटनल नहीं खरीद सकते यानी कि सब्जियों की अगेती खेती करने की सोच रहे हैं या करना चाहते हैं और लोटनल का खर्चा अगर आप नहीं कर सकते, लोटनल के द्वारा अगर आप सब्जियों की खेती नहीं करना चाहते, फिर भी अगर आप सब्जियों की अगेती खेती करना चाहते हैं तो एक और विकल्प है जिसके द्वारा आप सब्जियों की अगेती खेती भी कर सकते हैं और सब्जियों की अगेती खेती करके अच्छा खासा उत्पादन और अच्छा खासा मुनाफा उनसे आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोस्तों लोटनल का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक आम किसान या फिर पहली बार जो लोटनल लगाना चाहते हैं या पहली बार सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं उनको ये नहीं पता होता है कि खर्चा कितना ज़्यादा हो जाता है और उससे जो उत्पादन या जिससे उसके बाद में जो मुनाफा हमारा निकल के आएगा वो कितना होगा या कितना नहीं होगा। दोस्तों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है नए किसानों के लिए और या फिर कुछ ऐसे किसान भी हैं जो मतलब लोटनल का खर्चा नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। तो यहां पर आप सब्जियों की अगेती नर्सरी तैयार करके और उसके बाद में आप जैसे ही टेम्परेचर ठीक हो जाते हैं सर्दियों के बाद में उसका प्लांटेशन कर सकते हो। तो उस समय अगर आप प्लांटेशन कर देते हो, जिस समय सीड सोविंग होती है उस समय नर्सरी का आपका प्लांटेशन हो जाता है, तब भी आपकी जो सब्जियां हैं वो काफी अगेती हो जाती हैं और उसके बाद में आपको उनसे जो मंडी भाव है वो काफी अच्छे मिल जाते हैं। दोस्तों प्रोट्रे के अंदर नर्सरी तैयार करने के बहुत सारे फायदे हैं, यानी कि आप अगर प्रोट्रे में नर्सरी तैयार करते हो तो इससे आपकी जो नर्सरी है उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है, आपकी नर्सरी जो है काफ़ी हेल्दी और काफ़ी स्वस्थ रहती है और प्लांटेशन के समय आपकी जो नर्सरी की जो रूट्स होती हैं वो भी कोई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती, यानी प्लांटेशन के बाद में आपके जो पौधे कई बार मर जाते हैं काफ़ी संख्या में वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलती है अगर आप प्रोट्रे में नर्सरी तैयार करते हो। और अगेती सब्जियों की नर्सरी अगर आप प्रोट्रे में तैयार कर रहे हो तो इसके लिए आपको लोटनल जैसे हैवी जो खर्चे होते हैं वो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रोट्रे में अगर आप नर्सरी तैयार करते हो तो इसके लिए आपको जो है थोड़ी से स्थान की जरूरत पड़ती है, इनको आप ऐसे स्थान पर रख सकते हो जहां पे केवल दिन में 4-5 घंटे धूप लगती हो और शाम के समय आप किसी कपड़े से ढककर इनको सर्दी से बचा सकते हो। लेकिन अगेती सब्जियां अगर आप ओपन फील्ड में सीधी सीड सोविंग करते हो या प्लांटेशन करते हो तो इसके लिए आपको लोटनल या क्रॉप कवर वगैरह लगाने पड़ते हैं, इसके लिए आपका जो खर्चा होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप अगेती सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हो तो आपको जो है अगेती सब्जियों की नर्सरी तैयार कर लेनी है प्रोट्रे के अंदर और उसके बाद में जैसे ही टेम्परेचर थोड़े ठीक हो जाए आराम से आप अपनी सब्जियों का प्लांटेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर आप जो है प्रोट्रे के द्वारा जो है नर्सरी तैयार कर सकते हो, सर्दियों में जब भी आप चाहे उस समय आप नर्सरी जो है प्रोट्रे के द्वारा तैयार कर सकते हो। प्रोट्रे में नर्सरी तैयार करने के लिए आपका जो खर्चा है वो भी कोई ज़्यादा नहीं होगा, केवल नॉर्मल सा खर्चा होगा आपका, यानी कि सिर्फ बीज का खर्चा होगा। फिर दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रोट्रे की तो प्रोट्रे की जो कीमत होती है वो भी कोई ज़्यादा नहीं होती है, केवल मतलब 20 रुपये से लेकर और 30-40 रुपए तक जो है आपको ये जो प्रोट्रे है ये मिल जाती है मार्केट में। लेकिन आप जब भी प्रोट्रे खरीदें तो ऐसे थोड़ा सा ठीक ठाक खरीदें, मतलब ज़्यादा हल्की भी नहीं होनी चाहिए। 18-20 रुपए में जो प्रोट्रे आती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है और वो यूज एंड थ्रो वाली होती है, केवल उसको आप एक ही बार काम में ले सकते हो, तो चाहे आप वो भी खरीद सकते हैं। बाकी मैं तो आपको यही बोलूँगा कि 30-40 रुपए में जो अच्छी क्वालिटी की जो प्रोट्रे आती है वही आपको खरीदनी है ताकि आपको नर्सरी डालते समय और उसके बाद में प्लांटेशन के समय प्लांट्स को वापस निकालते समय भी आपको जो है उसमें दिक्कत नहीं होती है और उसके बाद में वो 3-4 बार उसमें आप आराम से प्रोट्रे में जो है नर्सरी तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये प्रोट्रे चाहिए और उसके बाद में आपको नारियल की खाद चाहिए, नारियल की खाद की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, यानी कोकोपीट जो होता है उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद में आपको थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है उसकी भी आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों प्रोट्रे के अंदर नर्सरी तैयार करने के लिए लगभग 75% आपको जो है वो कोकोपीट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि नारियल की खाद की आवश्यकता पड़ेगी और केवल 25% आप जो है वर्मी कंपोस्ट खाद भी ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि लगभग 3 kg जहां पर आप कोकोपीट काम में ले रहे हो वहां पर केवल 1 kg आपको वर्मी कंपोस्ट खाद भी साथ में ऐड कर लेनी है। कोकोपीट को पहले दिन शाम के समय आपको पानी के अंदर डाल देना है और उसके अगले दिन कोकोपीट को अच्छी तरह से मोटी छलनी के अंदर छान करके और उसके बाद में उसमें जो है 2-3 kg कोकोपीट के अंदर 1 kg वर्मी कंपोस्ट खाद का मिश्रण तैयार करके, अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके और उसके बाद में आपको जो है प्रोट्रे के अंदर उसको भर देना है और उसके बाद में आपको उसमें सीड शोविंग जो है वो कर देनी है। इस तरह से आप जो है उसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी में आप किसी भी तरह की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों प्रोट्रे के अंदर आप किसी भी तरह की जो नर्सरी होती है उनको तैयार कर सकते हो, यानी कि आप जो है हरी मिर्ची, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्ची, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं उनका आप जो है प्रोट्रे के अंदर नर्सरी आराम से तैयार कर सकते हो और इनके साथ ही आप जो बेल
वर्गीय सब्जियां होती हैं उनकी भी जो नर्सरी है, अगर आप चाहें तो प्रो ट्रे के अंदर उनकी भी नर्सरी आप तैयार करके और अपनी अगेती सब्जियों की खेती कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप प्रो ट्रे में बेल वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार कर रहे हो तो यहाँ पर आपको जो प्रो ट्रे है वो बड़े होल वाली लेनी पड़ेगी। यानी कि ये जो आप प्रो ट्रे देख रहे हैं ये 98 होल वाली है, यानी 98 होल आते हैं इसमें, और जो होल की साइज आती है वो थोड़ी छोटी आती है। यानी कि इसमें सिर्फ आप जो है बैंगन, टमाटर, मिर्ची और इस तरह की जो नर्सरियाँ होती हैं उनको तैयार किया जाता है। लेकिन अगर आप बेल वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं प्रो ट्रे के अंदर, तो आपको यहाँ पर केवल 50 होल में जो प्रो ट्रे आती है वो काम में लेनी है। 50 होल का मतलब ये है यानी कि जो होल की साइज है वो थोड़ी बड़ी आएगी। यानी कि जो बेल वर्गीय सब्जियाँ होती हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है और उनकी जड़ों की जो साइज होती है वो थोड़ी ज़्यादा फैलती है। रूट्स वगैरह जो होती है उनकी थोड़ी भारी होती है, हैवी होती है। इसलिए आप जो है बेल वर्गीय सब्जियों की अगर नर्सरी तैयार करो तो उसके लिए आपको जो प्रो ट्रे है वो 50 होल वाली ही खरीदनी है। इसलिए दोस्तों आप जो है अपनी अगेती सब्जियों की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो अगेती सब्जियों की नर्सरी तैयार करके प्रो ट्रे के अंदर और आराम से इनकी अगेती खेती कर सकते हैं। सर्दियों के बचाव के लिए इसके लिए आपको कोई ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इनको ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जहाँ पर मतलब दिन में 3-4 घंटे धूप आती हो, और रात के समय चाहें तो आप इनके ऊपर कोई कपड़ा डालकर इनको कवर भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस काफ़ी कम होता है तो इतनी जगह पर तो आप सर्दी से इनको आराम से बचा सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ प्लांटेशन के समय आपको जो है जब आपकी नर्सरी प्लांटेशन के लायक हो जाती है तब आप इनका प्लांटेशन भी कर सकते हो। लेकिन प्रो ट्रे के अंदर आप प्लांटेशन में कभी कभार अगर टेम्परेचर लेट तक अगर टेम्परेचर डाउन रहते हैं 10-5 दिन अगर आपको थोड़ा लेट भी हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि प्रो ट्रे के अंदर आप 5-10 दिन आगे पीछे भी जो है इसकी नर्सरी का प्लांटेशन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।